नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAT। आज की जो हमारी क्लास है वह है कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 5 के अंतर्गत कार्यपत्रक 67। आज क्लास में हम कार्यपत्रक 67 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 67 पर है। चलिए विद्यार्थी शुरू करते हैं। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर सभी विद्यार्थी अपना अपना नाम लिखेंगे। दिनांक, यहाँ पर सभी विद्यार्थी आज की दिनांक लिखेंगे। इस कार्यपत्रक 67 के अंतर्गत अधिगम क्षेत्र मापन की समझ, जिसमें समय के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, इसी के अंतर्गत अधिगम बिंदु समय की मानक इकाइयों में मापन एवं तुलना कर पाना तथा छोटी व बड़ी इकाइयों में अंतर संबंध की समझ बनाना, तो ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। सवाल नंबर, एक, समय की इकाइयों के संदर्भ में दिए गए कथनों में सत्य तथा असत्य कथनों की पहचान कर उचित पर सही का निशान लगाइए। ये जो हमें कथन दे रखे हैं, ये सत्य हो तो सत्य पे, असत्य हो तो असत्य पे हमें सही का निशान लगाना है। जैसे कि पहला, 2 घंटे में 100 मिनट होते हैं। अगर ये सही हो तो सत्य पे, और सही नहीं असत्य हो तो असत्य पे हमें सही लगाना है। 2 घंटे में कितने मिनट होते बताओ, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, जबकि यहाँ लिख रखा है 2 घंटे में 100 मिनट होते हैं, तो ये असत्य है। तो हम असत्य पर सही का निशान लगाएंगे, असत्य पर, क्योंकि यह असत्य है। 2 घंटे में 100 मिनट होते हैं, यह असत्य है। इसी प्रकार से दूसरा, 1 घंटे 20 मिनट में 2 घंटा 40 मिनट जोड़ने पर परिणाम 3 घंटा प्राप्त होता है। देखो, 2 घंटे में 1 घंटा जोड़ेंगे 3 घंटा हो जाएगा, और यहाँ पे 20 मिनट और 40 मिनट जोड़ेंगे तो 60 मिनट यानी 1 घंटा और हो जाएगा, 4 घंटे होंगे जबकि 3 घंटे लिखे हुए हैं, तो यह असत्य है। तो हम असत्य पर सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से सवाल नंबर 3, 4 से 3/4 मिनट में 285 सेकंड होते हैं। अब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में कितने होंगे, 6 × 24 = 240 + 3/4 यानी 45 सेकंड, इसमें 45 सेकंड और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5, 8, 285। बिल्कुल सही, 4 से 3/4 मिनट में 285 सेकंड होते हैं, तो यह कथन सत्य है, तो हम सत्य पर सही का निशान लगाएंगे। चौथा सवाल, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। बिल्कुल, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, सत्य है, तो सत्य पर लगाएंगे। पांचवा, 1/2 घंटे में 50 मिनट होते हैं। बताओ, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1/2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 30 मिनट होंगे, जबकि इसने 50 लिखा हुआ है, असत्य है, तो हम असत्य पर सही निशान लगाएंगे कि यह असत्य है। तो इस प्रकार से हमने पहले सवाल में सत्य और असत्य वाले सवालों को हल किया। आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसके अगले सवाल। सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए सवाल हल कीजिए। हमें जो कुछ नीचे 1, 2, 3, 4 सवाल दे रखे हैं, हमें इन 4 सवालों को हल करना है कि इनमें क्या करना है। जैसे कि पहला सवाल है, घंटा मिनट 15 घंटे 40 मिनट में जोड़ना है, 3 घंटे 50 मिनट जोड़ना है, तो हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि मिनट में जैसे ही 60 मिनट होंगे 1 घंटा हो जाएगा, यह हमें ध्यान रखना है। 40 और 50 मिनट, देखो 40 और 50 मिनट कितने हो जाएंगे बताओ, 40 मिनट और 50 मिनट जोड़ेंगे कितने होंगे, 90 मिनट, कितने होंगे 90 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, कितना, इसमें से 60 मिनट
हटा देंगे, 60 मिनट का एक घंटा हम आगे दे देंगे, तो बचेंगे कितने, 60 मिनट आगे चले जाएंगे यानी एक घंटा आगे चला जाएगा, तो 90 में 60 कितने बचे, 30, तो हम यहां लिखेंगे 30 मिनट, कितने मिनट, 30 मिनट, और ये एक हम आगे यहां से लगा देंगे एक घंटा, क्योंकि 60 मिनट एक घंटा, 15 घंटे और 3 घंटे जोड़ेंगे, 15 और 3 18 और 1 19, कितने घंटे हो जाएंगे, 19 घंटे 30 मिनट। देखो ये वापस समझ लीजिए, 40 मिनट में 50 मिनट जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 90 मिनट होंगे, 90 मिनट में 60 मिनट का एक घंटा, यानी हमने आगे एक घंटा आगे दे देंगे, हम घंटे में भेज देंगे, एक घंटा आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ 90 में 60 यानी एक घंटा आगे चला गया, बचे 30 मिनट, यहाँ कितने मिनट बचे, 30 मिनट, और ये एक घंटा यहाँ इस घंटे वाले में जोड़ेंगे, 15 घंटे और 3 घंटे, 18 घंटे और एक घंटा हम जो इधर से लिया वह कितना हो जाएगा, 19 घंटे 30 मिनट, कितना हो गया, 19 घंटे 30 मिनट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा, मिनट और सेकंड ध्यान में रखना है कि 60 सेकंड का एक मिनट होता है, तब हम यहां पे भी काम करेंगे, 30 में 40 सेकंड जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 30 70 सेकंड, 70 सेकंड में 60 सेकंड हम इधर भेजेंगे यानी एक मिनट हो जाएगा, बचा कितना, 10 सेकंड बचे, 70 सेकंड थे, 60 सेकंड हमने आगे भेज दिया यानी एक मिनट आगे भेज दिया, तो बचा 10 सेकंड, 20 और 15 कितना हुआ, 20 और 15 35 और एक 36 मिनट, कितना हुआ, 36 मिनट, यानी यहाँ कितना प्राप्त हुआ, 36 मिनट 10 सेकंड, 20 मिनट 30 सेकंड में 15 मिनट 40 सेकंड जोड़ने पर 36 मिनट 10 सेकंड प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल, घंटा मिनट 40 घंटे 50 मिनट में से घटाना है 20 घंटे 55 मिनट, अब यहाँ घटाना है, 50 मिनट में से 55 मिनट घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो हम यहाँ एक घंटा यहाँ लेंगे, तो यहाँ कितने 40 घंटे हैं, तो कितने बच जाएंगे, 39 घंटे बचेंगे, एक घंटा इधर आया, एक घंटा कितना हुआ, 60 मिनट, अब 60 मिनट यहाँ आया, 60 मिनट और 50 मिनट पहले से हैं, कितने हो जाएंगे, 60 प्लस 50 कितना हो गया, 110, अब यहाँ होंगे 110 मिनट, 110 मिनट में से 55 मिनट हम घटाएंगे, 110 मिनट में से कितने मिनट घटाएंगे, 55 मिनट घटाएंगे, तो कितने बचेंगे, 110 में से 55 घटाओ 10 में से यहाँ 0, 10 में से 5 तो 5, और यहाँ वापस 10 में से 5 तो 5, कितना बचा, 55 मिनट, हम यहाँ लिखेंगे 55 मिनट, 110 मिनट में से 55 मिनट घटाने पर कितने मिनट बचे, 55 मिनट बचे, 39 घंटे में से 20 घंटे घटाएंगे तो कितने, 19 घंटे बचेंगे, कितने बचे, 19 घंटे। इस प्रकार से 40 घंटे 50 मिनट में से 20 घंटे 55 मिनट घटाने पर 19 घंटे 55 मिनट शेष बचते हैं। चलिए अगला चौथा सवाल, घंटे मिनट 3 घंटे 5 मिनट में घटाना है 2 घंटे 35 मिनट, अब 5 मिनट में से 35 मिनट नहीं घटेंगे तो हम यहाँ से 1 घंटा इधर लेंगे तो यहाँ बचेंगे 2 घंटे, और यहाँ 1 घंटा इधर आया तो 60 मिनट, और ये 5 मिनट कितना हो जाएंगे, 65, यहाँ कितने हुए, 65 मिनट, अब 65 मिनट में से 35 मिनट घटाएंगे, 5 में से 5 घटा दिया 0, और 6 में से 3 घटा दिया कितना बचा, 3, यानी 30 मिनट, 65 मिनट में से 35 मिनट घटाने पर कितने मिनट बचे, 30 मिनट, 2 घंटे में से 2 घंटे घटा देंगे तो बचेगा 0 घंटा। इस प्रकार से 3 घंटे 5 मिनट में से 2 घंटे 35 मिनट घटाने पर 0 घंटे 30 मिनट शेष बचेंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज समय की जो मानक इकाई थी उनमें अंतर संबंध देखा, उनकी तुलना की, और हमने इनकी जोड़ और घटाव भी हमने हल की, यानी हमें समय और की जो जोड़ घटाव होती है उनमें हमें विशेष ध्यान रखना होता है,
हमें मिनट घंटे में संबंध देखना होता है, मिनट सेकंड में संबंध देखना होता है, यह हमें समझना होता है। तो विद्यार्थियों आप भी इसी प्रकार से इस कार्यपत्र को हल कीजिए और भी अपनी किताब में से अन्य सवाल लेकर के भी आप इनको हल करने का प्रयास कीजिए, समझ करके हल करने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।